गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपना बिल्कुल अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, आज अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूं सुबह 6:30 बजे से। और आज से बच्चों का स्कूल शुरू हो गया है और अभिनव तो स्कूल आज नहीं जा रहा है क्योंकि उसकी ड्रेस नहीं आई हुई है अभी। और हर्षिका स्कूल के लिए रेडी है, काफ़ी एक्साइटेड है और सुबह जल्दी उठकर रेडी भी हो गई है। न्यू ड्रेस, न्यू बुक एडिशन, और आज स्कूल में एंजॉय करेंगे। और आज भी मैं दिन में जो पूरे दिन जो कुछ करती हूँ वो सभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स, हर्षिका के लिए बना दिया है चीज़ रोल और वो अभी अपना चीज़ रोल खा के स्कूल जाएगी। आज वो लंच तो लेके नहीं जा रही है, तो आज वो बिना लंच के ही जाएगी। वो अपना सुबह अभी ब्रेकफास्ट करके जाएगी और बाकी आने के बाद खाना खाएगी। और अभी चलती हूँ हर्षिका के पास। हाँ जी, हर्षिका स्कूल के लिए रेडी हो गई है और मैं उसके लिए उसका ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ। ब्रेकफास्ट करके वो स्कूल के लिए निकलेगी। वो सुबह 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाती है। और आप देखिए कि अभिनव तो अभी सोया हुआ है, उसको उठाती हूँ थोड़ी देर में। और हर्षिका के ये क्रिस्पी चीज़ रोल देखिए आप भी, हर्षिका कितना सीरियस होके खाना खा रही है। और हर्षिका के स्कूल जाने के बाद ही मैं अभिनव को उठाती हूँ। बच्चा है, छोटा है, थोड़ा सा मम्मी की पैम्परिंग की उसको भी ज़रूरत होती है। सुबह सुबह बच्चे को, छोटे बच्चों को थोड़ा सा मम्मी का लाड़ प्यार तो चाहिए ही होता है। और अभी निकलेगी हर्षिका स्कूल के लिए। हर्षिका के स्कूल जाने के बाद पूजा वगैरह करके और मैं आ गई हूँ किचन की तरफ
खाने की तैयारी करने के लिए, और साफ़ सफाई मेरी पहले ही हो चुकी है। और हमारे घर में लंच नहीं किया जाता है, हम ब्रंच ही करते हैं 11 बजे के करीब। और सुबह के टाइम हम चाय के साथ बिस्किट रस्क वगैरह ले लेते हैं। और अब मैं लौकी छीलकर इसको बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। और आज मम्मी बनाने वाली हैं अपने स्टाइल में, बिल्कुल सिंपल खाना। और ये सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तीन चार सीटियां लगने के बाद जो लौकी है वो उबल गई है। और जब तक लौकी ठंडी होती है तब तक मम्मी चटनी बनाने की तैयारी कर रही हैं। नवरात्रे हैं, चटनी में लहसुन वगैरह तो नहीं डालेंगी। और मम्मी ने बनाई है हरे धनिया और हरी मिर्ची की चटनी, और जो आज के खाने के साथ स्पेशल है। लौकी के ठंडा होते ही मम्मी लौकी को निचोड़ कर, और हम इसको कुंडी, पत्थर की कुंडी होती है, उसमें कूटते हैं। क्योंकि मेरे जो पापा को है वो मिक्सी वगैरह या और किसी चीज़ का बना हुआ खाना पसंद नहीं है। और मम्मी अभी लौकी का रायता बनाने की तैयारी कर रही हैं, और लौकी को हरी मिर्ची के साथ कुंडी में कूट कर निकाल देंगी, और हमारा रायता जो है वो रेडी हो जाएगा। मम्मी ने मिस्सा आटा लगा लिया था, और अब मम्मी चूल्हे पर रोटी बना रही हैं। चूल्हे पर रोटी बनाने तो मुझे भी आती हैं, लेकिन जो ये मम्मी हाथों में घी लगाकर बिना सूखे आटे वाली रोटी बना रही हैं, ये मुझे बनानी नहीं आती। और मम्मी के हाथ की ये चिकने वाली रोटी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और हम कम ही बनाते हैं चूल्हे पर रोटी, लेकिन मम्मी की ये चिकने हाथ वाली मिस्सी रोटी, इनको हम बहुत मिस करते हैं। और आप देख लीजिए, थोड़ा लेट ही हो चुका है, 11 बज गए थे। थोड़ी सी मम्मी के ऊपर धूप भी आ गई है, और मम्मी फटाफट से रोटियां बना रही हैं। और मम्मी अपने ये रोटियां बनाने में पूरे एक्सपर्ट हैं। ये मेरे पापा की प्लेट रेडी हो गई है, रायता, चटनी और छाछ। और जो हमारी मिस्सी रोटी है वो खाने में घी के बिना तो अधूरी ही रहती है। और ये पापा के लिए मैं खाना ले आई हूँ। हर्षिका स्कूल से आ गई है, कैसा रहा स्कूल का फर्स्ट डे? सभी टीचर आए हुए थे? एक टीचर नहीं थी, बाकी सभी टीचर ओ हाँ जी, आज हर्षिका स्कूल से आ गई है, और हर्षिका का फर्स्ट डे था। कैसा रहा फर्स्ट डे आज? बहुत अमेजिंग। पता है, हमने मेरे फ्रेंड्स के साथ मैंने इतनी सारी बातें की ना, इतने दिन बाद हम मिले थे, बहुत मजा आया साथ। सच्ची गॉसिप की। लंच लेके आए थे सभी बच्चे? सभी लेके? आप क्यों नहीं लेके गए? आप पता, आज मेरा मन नहीं था, मुझे भूख भी नहीं लगी इतनी। छुट्टी तो काफी लेट हो गई है, 2:30 बजे। हाँ जी, हर्षिका स्कूल से आ गई है, और उसका आज का दिन बहुत अच्छा रहा। अभी सभी बच्चे तो नहीं आना शुरू हुए हैं, धीरे धीरे
बच्चे आएंगे, बाकी स्कूल की जो डेली की जो क्लासेस हैं वो शुरू हो गई हैं। और हाँ जी, हर्षिका स्कूल से आ गई है और आज वो लंच भी नहीं लेके गई थी, उसको बहुत भूख लगी है। अभी वो कपड़े चेंज करेगी और फिर मैं उसको खाना देती हूँ और वो खा के थोड़ी देर रेस्ट करेगी और शाम को फिर अपनी आगे जो स्कूल में 3-4 दिन नहीं गई थी, जो काम करवाया है स्कूल का, वो अपना फेयर करेगी। हर्षिका को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और हर्षिका आते ही खाने पर देखो कैसे टूट पड़ी है।